गाइस अपने पम्मी भाई भाई अपना दोस्त देखो यार, हमारी गाड़ी अच्छी है तभी हम बोलते की नहीं हम अच्छे है। चाचा आपको कैसा लगा? एकदम बढ़िया, मजा एकदम मजेदार, एक नंबर। रेस्ट की जरूरत है पर रेस्ट मिल रहा है मेरे को, मैं पागल हो सकता हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। जोर से, हाँ अब ऐसे को, ये थोड़ा ऐसे को, चल जा बाहर जाके बना लो। हेलो दोस्तों, थोड़ा ऐसे को, ये चलो। हेलो दोस्तों, वेलकम इन न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ, आपको सब बोलूँ तो अंदर मेरी मम्मा वगैरह है, चलो मैं आपको पूछूँगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? हाय, गुड मॉर्निंग। हम दिख भी नहीं रहे ढंग से। ये मेरा दोस्त है चक्षु, मिलिए इसे। हेलो, थोड़ा सीधा हो गया ना। ये मेरा गोल्ड मामू है जो कि ऐसे आज मेरा ब्लॉग दिया है बनाने के लिए, तो थैंक यू। सीधा हो गया ना, सीधा सीधा ऐसे, ये हां तो थैंक यू। हां ओके ओके। ये दोनों चिल्लर गएंगे भाई अपने भांजे, दोनों आए यहां आज क्यों? मैं तो काम को चला। हाँ जाना तूने भी? जाना तूने पहले था, तूने जाना काम को जाना मेरे साथ है। अपने कुछ सब्सक्राइबर है गाइस, वो जीप है आगे चली एक। तो यार जब ये भाई मेरे को हॉर्न मार रहा था, मेरे को मतलब फोन निकालने का टाइम नहीं लगा। अरे जान दे भाई अपना दोस्त देखो, एचपी 24D 50-45। नमस्कार जी, कैसे हो सभी? उम्मीद है कि सभी बढ़िया होंगे और कहीं ना कहीं मेहनत करेंगे। तो देखा आपने सुबह सुबह दोस्तों, एक अपना भांजा है जो आया घर में, दीदी भी आई है, और वो सुबह सुबह बोल रहा है मेरा भांजा कि भाई मैंने ब्लॉग बनाना, मैंने उसको फोन पकड़ा दिया, उसने क्या कुछ किया मेरे को पता नहीं है, देखोगा आपने। तो वो भी मतलब मेरी तरह ब्लॉगर बनना चाहता भाई, तो उसको अच्छे लगते मेरे ब्लॉग, ऐसा नहीं है। तो मेरा छोटा भांजा भी आया, तो सुबह सुबह रोड में एक भाई मिल गए, वो बस चला रहता अपना दोस्तों। तो अभी सुबह सुबह आया हूँ, क्रेशर पर लोडिंग हो रही है 10 mm पहले ट्रिप पे। आज मैं बहुत लेट हो गया हूँ भाई, क्योंकि दीदी भी रहे तो रात को बैठे थे, काफ़ी गप्पे लड़ाई हमने बैठ के। तो अभी 10 लोड करते हैं, चलान मेरा ले आ रहा है एक दोस्त, तो पहले निकलते हैं शमशी, बाकी का बाद में देखते हैं। क्यों गाइस अपने पम्मी भाई भ्यागा भ्यागा। तो गाइस यार मैंने तो जाना था कहीं ना भाई, तो काम था मेरे को यार, यहाँ दो चक्कर आ गए तब को, मैं फिर से फंस गया यहीं यार, क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ समझ नहीं आ रहा। चलो अब देखते हैं, लंच टाइम तक फ्री हो जाऊँगा, उसके बाद लगेगा टाइम तो जाएंगे, नहीं तो कल की छुट्टी करेंगे यार, कल नहीं आएंगे। यहाँ कैसा ही होता है कि काम ही काम आ जाता, फिर अपने जो काम होते नहीं। मेरे को पंचायत घर में बुलाया ना, थोड़ा काम है घर से रिलेटेड थोड़ा, तो अभी ब्लॉक लोड हो रहे हैं शाड़ा भाई के लिए, उसके बाद पेपर लोड हो रहे हैं इसी ग्राम पंचायत ज्येष्ठा के लिए। चलो आ रहा करते गाड़ी लोड, ड्राइवरी लाइन ऐसी है भाई, अपने काम नहीं होते है इसमें, क्या करें। चलो शाड़ा भाई कॉलोनी के लिए दोस्तों हमने लेना है राइट, ये गाइस कॉलोनी, और यहाँ से करते भाई अब फोन। कॉलोनी से ऊपर आ गए गाइस ना, ये अपनी शाड़ा भाई कॉलोनी, यहाँ से जाना बोला लेफ्ट, लेफ्ट फिर लेना राइट ना, लाल कलर की नैनो, यहाँ तक मैं आया हूँ। और जो नीचे वाला रोड है, इसके नीचे वाला यहाँ चौक है ना, तो वहां से मैं नीचे को भी गया हूँ, ऊपर को नहीं मैं गया हूँ, पर शायद मेरे को लग रहा है कि यहाँ से जाना आज। गाइस हरी झंडी मिल गई है राइट साइड वाले रोड को ही, फिर एक चक्कर है अपने वहां भाई ग्राम पंचायत ज्येष्ठा, तो ग्राउंड जी रोड गाइस। और वो जो हमारा ग्रे वाले पीस है ना, जो हम होटल एप्पल कंट्री गए थे वहाँ को जाना मटेरियल, पहले जहाँ मैं जा रहा था गड़सा से ऊपर वो हो गया कैंसिल, वहाँ भेज रहे दूसरी गाड़ी, मनाली जाना मैंने, तो मैंने कुछ करना नहीं है अभी, गाड़ी लोड करनी है यहाँ से, सेम वही है, तो गाड़ी को साफ सूफ करते हैं, बाकी का मेरे को पता नहीं कैसे क्या होगा, मैं आपको बताता रहूँगा, बने रहना। थोड़ा थकान बहुत हो गई है, मेरे से काम हो नहीं रहा है, मेरी फट गई है थोड़ा, मतलब कि रेस्ट की ज़रूरत है पर रेस्ट मिल रहा है मेरे को, मैं पागल हो सकता हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। गाड़ी में भी बहुत खलारा मच गया है, देखो अब इसको पूरा साफ करना है। क्या देख रहा भैया,
ये भाई लोग मेरे को देख के खजल होते कि ये क्या कर रहा है, क्यों है ना, है ना। तो गाइस यार गाड़ी की हालत ही खराब है, मतलब बुरी तरह। ओ यार माय ब्लॉगिंग स्टिक, भाई तगड़ी स्टिक है यार, इसने मेरा बहुत साथ दिया है। तो बस अभी जरा ये मैट में थोड़ी थोड़ी गंदे मैट मोट झाड़ू पोछा करते हैं, हवा हवा मारते गाड़ी को, पहले लगाते गाड़ी को। हाँ ये जो मुरम्मत है ना गाड़ी की, ये हमारा रोज का काम है, ऐसा नहीं है कि दिन में तीन चार बार भी हो जाता है। सारी झलरे साफ, इन झालरों में ना गाइस यार बहुत ही पतला पतला धूड़ होता फंसा हुआ। जब दोस्तों हमारी गाड़ी अच्छी नहीं ना तो हमारे को भी अच्छे होने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। अगर हमारी गाड़ी अच्छी है तभी हम बोल सकते कि नहीं हम अच्छे हैं, अगर हम इसकी केयर करें तो कुछ छोटी मोटी सफाई तो भैया आज शाम को अगर जल्दी आ गए ना इसका छत धोएंगे यार, फिर से बिल्कुल नीट एंड क्लीन करेंगे इसको। तो मैं करता हूँ गाड़ी साफ, फिर चलो देखते जाओ मैं गाड़ी की सफाई कैसे करता हूँ। अब हम शूट करेगा फोन से, गोली से नहीं। क्यों ये भाई अपनी गैंग है, सारा माल हो गया हमारा लोड। यस कैसा लगा सर आपको? ठीक है लगा। बढ़िया अच्छा आपको कैसा लगा? एकदम बढ़िया, मजा आया, एकदम मजेदार, एक नंबर। सर आपको, सर आपको मैंने आपको शूट किया कैसा लगा? ठीक लगा, बढ़िया। गोली भी नहीं लगा और शूट भी किया, क्यों? गोली भी नहीं लगा, शूट हो गया। ये हमारा नया स्टाइल है गाइस शूट करने का, हम गोली भी नहीं मारते और हम शूट कर देते हैं बंदे को कैमरे से। साफ सफाई हो गई है, अब हम बाबा शायद में कपड़ा लेके ऐसे, जब हम साफ सफाई करते ना गाड़ी की, ऐसे कपड़ा लेके जाने का ना बड़ा मजा आता, फीलिंग आती है कि हमने कुछ अच्छा काम किया है। तो अभी हम बिल बनाते हैं। फिर क्या यार, बाल बूल लगे झड़ने तुम्हारे भाई के, गंजा हो गया, अब निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस गाड़ी की जितनी साफ सफाई हो सकती थी मैंने की है, ठीक है। नीचे से बहुत ज्यादा मिट्टी है तो यानी मैंने साफ की, एक ये शीशा साफ किया, एक ये शीशा साफ किया, नहीं 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 बाकी अंदर से मैंने पूरी साफ सफाई कर दी, डन भाई, ठीक है। बिल हमारा बन चुका है, 700 पीस लोड है, आधा ही माल है, जल्दी जल्दी जाएंगे और जल्दी जल्दी आए। गाइस आ गए हम ऑन द वे, फोर लाइन पक्का पक्का रोड है, सीधा चट करके भाई सीधा फ्लाइट गियर बजेगा मनाली को। अपनी पूरी तैयारी हो गई है, परना पुरना डाल के सीट बेल्ट लगा के। यार मैं मतलब आप सभी से भी कहता हूँ, जो भी गाड़ी चलाते भाई सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाओ। पहले मेरा भी ये बहम था कि सीट बेल्ट लगा के मजा नहीं आता, भाई जो मजा सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाने का ना वो मजा ऐसे नहीं है। एक बार लगा के देखो, फिर मेरे ब्लॉग में कमेंट करना जरूर कि आपने ट्राई किया और भाई मजा आया। भाई भाई बहुत कंफर्ट फील होता है सीट बेल्ट लगा के, आप अपनी जगह स्टेबल रहे तो हिलते नहीं हो जाता, मजा आता है यार। तो उम्मीद है कि सभी भाई इस बात पर गौर करेंगे और सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाएंगे। तो चलो गाइस अब हम सीधा मनाली में मिलेंगे, क्योंकि यहाँ का ब्लॉग पहले बन चुका है, अब हम सीधा अनलोडिंग पे मिलेंगे। बाय बाय, तब तक मैं कर रहा हूँ एंजॉय, तब तक आप भी करो एंजॉय। हडिम्बा टेम्पल रोड जो है, अब आए हम ओल्ड मनाली रोड। ए भाई ओल्ड मनाली, अब हो गया हमारा ओल्ड मनाली रोड खत्म। ये हमारा ओल्ड मनाली बड़ा रोड, अब यहाँ को क्या बोलते हैं नहीं मेरे को पता भाई, इसको क्या बोलते हैं। तो गाइस गाड़ी हो चुकी है खाली हमारी, वो देखो, बाकी अब हम जा रहे हैं भाई जी, तो देखते हैं लंच लुंच का कुछ क्या बनता है। बाकी यहाँ नहीं लग रहा है, यहाँ फर्श बिछ रहा है, गाड़ी उतर गई है, एप्पल एप्पल कंट्री चढ़ाई यार यहाँ बहुत ज़्यादा। एक बज गए हैं, लंच टाइम हो गया भाई, खाना खुना खा के जाएंगे अब, तो मिलेंगे सीधा हम धोबी में ही। यहाँ जो शांति है ना भाई और जो ठंडा है यहाँ, ना रेत है गाइस ना बजरी है, और मैंने गाड़ी लगा दी है नंबर पे भाई, अब इस ट्रैक्टर और इस ट्रक के बाद होगा मेरा पहला नंबर। हाय हाय गर्मी गाइस, वो जो ट्रक है वो लोड हो चुका है, वो हो गया भाई, अब मेरा लग गया भाई पहला नंबर। रेत है नहीं यहाँ, बुरी हालत है, शायद ट्रैक्टर लगाओ।
रीजन। प्लानिंग पूरी चेंज हो चुकी है तो मैं भर रहा हूँ 10 क्योंकि मेरे को ये ब्लॉक की डिमांड, बाकी जो हमारी दूसरी गाड़ी है वो लगी रेत को, तो 10 भरते हैं फिर हम निकलेंगे सीधा अलग वैली ब्लॉक भर के, क्योंकि ब्लॉक की डिमांड आई है इसलिए मैं 10 लेके जा रहा हूँ। गोइंग टू लग वैली गाइस। तो लग वैली के नाम से नहीं यार चेहरे पे स्माइल आ जाती, पता नहीं क्यों, ठंडा ठंडा होता भाई लग वैली भी, यहाँ मजा आ जाता भाई। तो ज्यादा दूर नहीं जाना, हमने जाना भाई दड़का, दड़का से थोड़ा सा ऊपर जाना है 1 किलोमीटर, ज्यादा दूर नहीं जाना है, मतलब कुल्लू से 6 किलोमीटर जाना है, 5 या 6 ज्यादा नहीं। तो चलो अभी अमन भाई को फोन करते हैं, अगर अमन भाई आते हैं तो उनको ले जाते हैं। अरे भाई साहब मोटे ही सेक्सी, मतलब भाई कब से लेकर चलो इनके पीछे पास नहीं दे रहे भाई, पर नहीं क्या दुश्मनी है मेरे साथ। हाँ जी अमन जी। हाँ जी, क्या बोलते हैं आपको? बोले तो धड़का गाइस, फुल पावर धड़का। यहाँ से हम रोहित भाई के घर जा रही हूँ, अपने रोहित भाई टिपर वाले बूमतीर। स्टैंड थे भाई, साफ सफाई एकदम मौके का रिपोर्ट है, देखते गाइस आप हवा हवा मार के एकदम क्लीन। गाइस आज के ब्लॉग को भी यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद है कि आज का ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा होगा, आप सभी ने पसंद किया होगा भाई, आप सभी को मजा आया होगा। अगर मजा आया होगा तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जो देख रहे हैं फेसबुक पेज पे पेज को कर देना दोस्तों फॉलो। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने आसपास फायदा रखो, लव यू, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, लव यू ट्रक भर के, थैंक यू सो मच दोस्तों।